राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आपने आवाज़ तो सुन ली है, इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। इतना क्रंची, इतना खास्तेदार ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने इसे आटे से बनाया है, आटे, सूजी, बेसन तीनों को मिला के मैंने ये नमक पारा जो है तैयार किया है, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पे 3 कटोरी जो है मैंने गेहूं का आटा लिया है, और इसमें 1 कटोरी जो है यहाँ पे सूजी रखेंगे, मोटी या पतली वाली आप कोई सी भी ले सकते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन डाल सूजी डाल दिया है, और 1/2 कटोरी हमें यहाँ पे बेसन यूज करना। आप बेसन ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही करारी बनती है। और हम तीनों चीज़ को डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें अजवाइन डालना है। अजवाइन थोड़ा सा आप ज़्यादा करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट, बहुत ही खिल के आता है इसका जो टेस्ट होता है। नमक पारे में ज़रूर से डालिएगा। और इसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि नमक डालना है। तो नमक आप लोग यहाँ पर अंदाज से लीजिएगा, मैं यहाँ पर जो है नाप के नहीं ली हूँ, आप लोग अपने अंदाज से लीजिएगा। बस मैंने ऐसे ही कटोरी में डाल के अंदाज से ही नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसके बाद इसी छोटी सी कटोरी से मैंने 1 कटोरी जो है घी ली है। ये घर की बनी हुई घी है, इसलिए आपको कलर ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी कटोरी घी लेंगे। इसके बाद हमें आटे को अच्छे से जो है पहले सूखा मिलाना है अच्छे से यहाँ पर, ताकि घी जो है जो मोइन हमने डाला है इसी को अच्छे से मिलाने से ना आपका जो है बहुत ही क्रंची बनेगा, बहुत ही खास्ता बनता है। तो पहले हमें सूखे आटे को अच्छे से मुट्ठी बंद बंद करके हमें मिलाना है। 2 से 3 मिनट तक हमें मिलाना है, जब तक कि अच्छे से मुट्ठी बंद न जाए, आटा बंद न जाए, तब तक हमें मिलाना है। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसे सख्त सा आटा हमें तैयार करना है। ज़्यादा सॉफ्ट आटा यहाँ पर नहीं लगाना है, बस आटे को ऐसे लपेट के जो मिला के हम लोग रख देते हैं ना कभी कभी, वैसा हमें आटा को यहाँ पे मिला के अच्छे से जो है आटे को रेस्ट देंगे, ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूले और जो हमारा नमक पारे है वो अच्छा बने। तो यहाँ पे जो है आटे को हमने समेट दिया है अच्छे से, ढक्कन ऊपर से लगा देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इधर हम क्या करेंगे ना कि एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो है वो मैं डाल रही हूँ, और इसे मिला के अच्छे से हमें इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं ये पेस्ट को भी हम अलग रख देंगे। अब हम एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जो हमें नमक पारे में यूज़ करना है ऊपर से, क्योंकि हमने आटा में कोई मसाला ऐड नहीं किया है, तो हम ऊपर से मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हमें काला नमक, और 1/2 से भी छोटी चम्मच हमें यहाँ पे गरम मसाला, जो घर का गरम मसाला है उसे ऐड करना है, और 1/2 छोटी चम्मच हमें यहाँ पे भुना हुआ जो क्रश किया हुआ जीरा है वो डालना है। और आपका ये चटपटा सा जो मसाला है वो बन के तैयार है। इसे भी हम अलग रख लेंगे। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। हमारा आटा जो है एकदम फूल गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फूल गया है, जो सूजी है ना इसमें। अब हम इसे अच्छे से क्या करेंगे ना कि मिला लेंगे, इसे आटे को अच्छा से सॉफ्ट अप कर लेंगे। हमें यहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है, बस आटे को अच्छे से यहाँ पे मिला लेना है, ताकि जो बेलने में हमें आसानी हो। और इसे हम पहले 2 टुकड़े करेंगे, 2 के 4 करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 टुकड़े मैंने बड़े किए हैं। अब 1 लोई लेके हम इसका भी अब हम 4 टुकड़े करेंगे, क्योंकि हमें पतली पतली जो है छोटी छोटी जो है लोइयाँ इसमें से निकालनी है। तो हम इसे क्या करेंगे ना कि 4 लोई तैयार करेंगे, चारों को हम जो है इसका अच्छा सा जो है 1 लोई बना लेंगे, ताकि हमें बेलने में आसानी हो।
थोड़ा सा आप यहाँ चाहे तो सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बेल सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपचिपा आटा नहीं था और ये अच्छा सा, जो जैसे हम नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं ना उस तरह से हमें यहाँ पे बेल लेना है रोटी को, चारों रोटी को एक जैसा बेल लेना है। हमें पतली सी रोटी बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है और ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, यहाँ पे एकदम पतला भी नहीं रोटी को बेलना है। तो यहाँ पे हम अच्छे से जो है एक एक करके, बारी बारी करके हमें यहाँ पे रोटी जो है बेल लेनी है, बेल लेनी है यहाँ पे रोटी को। तो यहाँ पे जो है मैंने चारों रोटी बेल के अलग रख दिया। इसके बाद हमें जो लास्ट वाली रोटी है उसके ऊपर से ये पेस्ट हमें लगाना है जो हमने पेस्ट तैयार किया, फिर ऊपर से एक रोटी डाल देंगे, फिर ऊपर से इसके पेस्ट लगा देंगे। अच्छे थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा आपको नहीं लगाना है और इसे हमें अच्छे से लगाना है। और इसके बाद फिर हम एक रोटी और डाल देंगे इसके ऊपर से। ऐसा करने से लेयर बाय लेयर जो है ना आपके नमक पारे जो है बनके तैयार होंगे और बहुत ही क्रंची बनता है। आप भी बनाएं, क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली में, दिवाली के पहले से ही लोग तैयारी कर लेते हैं नमकीन और मिठाइयों की। तो वही मैं भी बना के इसे रख दूंगी डब्बे में और ये अच्छे से चलता है। आप महीने भर इसे डब्बे में रख सकते हैं। अब हमें चारों रोटी को ना एक रोटी बना लेनी है बड़ी सी, वो भी खूब अच्छा सा बेल लेना है, इसे पतला कर लेना है। अब इसके बाद हमें चाकू से जो है ना काटना है, आपको जैसे मन आप वैसे काट सकते हो, या आप एक ढक्कन वाला जो करता है ना ढक्कन, किसी भी बोतल के ढक्कन से आप काट सकते हो, वो काजू के शेप में करता है। तो यहाँ पे मैं वो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल ऐसे ही चाकू से चकोर चकोर मैं इसे काट रही हूँ। ये बहुत अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको काटने में, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है और पतली है तो मतलब फटाफट हो जा रहा है। ज़्यादा मोटा आपको रोटी नहीं बेलना है तो यहाँ पे आप आराम आराम से क्या करेंगे ना कि काट लेंगे इसे चाकू की सहायता से, हमें इसे हटा लेना है। इसके बाद हम तेल यहाँ पे देख लेंगे, तेल अच्छा सा गर्म हो गया है और इसके बाद कटे हुए जो है ना नमक पारे उसे हमें डाल देना है गरम गरम तेल में। इसे मीडियम आंच पे हमें अच्छा सा फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने आंच को थोड़ा सा कम कर दिया, आंच बहुत तेज़ था तो इसे कम कर देंगे और ताकि ये अंदर से भी पके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है लेयर इसका खिल के आ रहा है और ये थोड़ी देर में ही जो है ना ये फ्राई हो जाता है। मैंने दो बार का जो है ना फ्राई कर लिया है और इसे एक बर्तन में हम डाल देंगे ताकि इसमें हम मसाला मिलाएं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्रंची और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे ना, एक चम्मच मसाला लेके इसमें हम मिला देंगे और फिर मसाला डाल के भी अच्छे से इसे ऊपर नीचे करके हमें मिला लेना है। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।